नमस्कार, रसोई के चमत्कार में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, बैंगन एक ऐसी सब्जी है जो विटामिन्स और मिनरल्स से भरपूर होती है। कुल मिलाकर हमारे स्वास्थ्य में लाभकारी है, इसीलिए इसे हमारे आहार में शामिल किया गया है। इसे अक्सर आलू बैंगन, भरवा बैंगन या फिर चावलों के साथ खाने के लिए टमाटरों के साथ बैंगन की रसेदार सब्जी बनाई जाती है, लेकिन बैंगन के भरते का तो कोई जवाब ही नहीं। इसे भी लोग कई तरह से बनाते हैं। कुछ लोग इसे उबालकर बनाते हैं या फिर भूनकर इसे बनाया जाता है। आज हम यहाँ बैंगन के भरते की रेसिपी आपसे शेयर करेंगे। तो चलिए रेसिपी हम भूनने के काम से के साथ शुरू करते हैं। यह मैंने एक गोल वाला बैंगन ले लिया है। अब मैं इसमें 3 कट लगा लूंगी। 3 कलियां लहसुन की मैंने छील कर रखी हैं। इन कट्स के अंदर एक एक करके इनको मैं डालकर दबा दूंगी। अब इस बैंगन को हल्का सा हाथ पर घी लगाकर हम चिकना कर लेते हैं। इससे बैंगन का छिलका जल जाएगा और बैंगन अंदर तक भून जाएगा। जब आप बैंगन खरीदें तो एक बात का ध्यान अवश्य रखना कि बैंगन में हल्का होना चाहिए। भारी बैंगन में बीज पके हुए होते हैं। अब बैंगन भून गया है, गैस बंद कर देते हैं, इसे उतार लेंगे। ये टमाटर हमने लिए हैं, मैंने टमाटर जो है देसी लिए हैं, क्योंकि देसी टमाटरों में खटास अच्छी होती है। आप मिक्स टमाटर भी ले सकते हैं। अब मैं इन टमाटरों पर घी का हाथ लगा दूंगी। अब इन्हें चूल्हा जलाकर स्टैंड पर भूनने के लिए रख देती हूँ। लंबे वाले टमाटर जो होते हैं उनसे रंग तो लाल हो जाता है, लेकिन उसकी खटास की मात्रा कम होती है। 2 हरी मिर्चें हैं, इन्हें भी कांटे पर लगाकर साथ साथ भून लेते हैं। ये लीजिए, टमाटर और हरी मिर्च भी भून चुकी हैं। दो प्याज पानी में भिगोकर रख दिए थे। अतिरिक्त हमने लिया है मटर, 2 प्याज, अदरक, हरी मिर्च और टमाटर। बैंगन हमने भून लिया है, अदरक भी काट लिया है। इसे ग्राइंडर में डाल लेंगे, ग्राइंडर जार में डाल लेते हैं। ये कच्चे टमाटर हैं, इनमें से थोड़े से मसाला पेस्ट के लिए डाल लेते हैं। और ये भुनी हुई हरी मिर्चें भी डालकर ग्राइंड करेंगे। ये पेस्ट अब तैयार हो गई है, इसे कटोरी में निकाल लेते हैं। ये भुना बैंगन हमने साफ कर लिया है, इसे चीरा देकर चेक कर लेते हैं। ये लहसुन देखिए भुन गया है। ऊपर का डंडे वाला भाग हम हटाकर अलग कर देते हैं। ये भुने टमाटर हैं, इन्हें हम छोटे टुकड़ों में काटकर डालेंगे। ये भुने टमाटर भी काट लिए हैं हमने। ये कटे हुए प्याज हैं, बैंगन जो हमने मैश करके रखा है। ये अदरक, टमाटर और हरी मिर्च की पेस्ट तैयार है। ये भुने हुए कटे हुए टमाटर हैं और ये मटर हैं, इन्हें हम रोस्ट करेंगे। पहले मसालों को देख लें। ये जीरा है 1 चम्मच, एक चुटकी हींग ले ली है, ये है पिसी लाल मिर्च 1/4 चम्मच, ये 2 लौंग
और पिसा गर्म मसाला हमने ले लिया है। ये नमक है, इसे आप स्वादानुसार ले सकते हैं। हरा धनिया हमने ये काट कर रखा है, इससे हम गार्निशिंग करेंगे। और ये है फाइनली देसी घी। अब गैस ऑन करके पैन को चूल्हे पर चढ़ा लेते हैं। अब इसमें डालेंगे एक छोटी कड़छी घी, यानी कि सर्विंग स्पून जितना घी हम डालेंगे। घी पिघल गया है, अब इसमें पहले मटर डालेंगे, थोड़ा रोस्ट कर लेते हैं। इसे थोड़ी देर ढक देते हैं। ये सॉफ्ट हो गए हैं, इन्हें पैन में से निकाल लेते हैं। अब इसी घी में डालेंगे लौंग, ये हींग, और ये अब जीरा डाल देते हैं। जीरा चटकने लगा है, अब इसमें मसाला पेस्ट डाल देते हैं और थोड़ी देर भूनेंगे। अब लाल मिर्च डालेंगे, थोड़ा भून गया है। इसे अब हम इसमें कटे हुए प्याज डाल देते हैं। अब डालेंगे भुने हुए कटे हुए टमाटर। और इसे मिक्स कर लेंगे, थोड़ा ढककर पकाने के बाद इसे चलाएंगे। अब इसमें नमक डाल लेते हैं। अब डालेंगे बैंगन जो हमने मैश करके रखा है। लो फ्लेम पर पकने देते हैं और अब खोल कर देखते हैं। आखिर में अब हम मटर डालेंगे, थोड़ी देर और चलाएंगे। और ये अब तैयार हो चुका है, इसे उतार लेते हैं। अब एक बोल में इस भरते को शिफ्ट कर लेते हैं। थोड़ा हरा धनिया बुरक लेते हैं। और थोड़ा सा अब ये गरम मसाला मैं ऊपर से भुरक रही हूँ। ये तैयार है हमारी बैंगन मटर के भरते की अनोखी डिश। पसंद आई तो अवश्य ट्राई करें। हाँ तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये भरते की रेसिपी? यदि पसंद आई हो तो आप इसे मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अगर अब तक आपने नहीं किया हो तो जरूर कर दें, और उसके बाद बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें। आज बस यहीं तक, फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।